जीत आपके हाथ में हमेशा नहीं होती। आपके हाथ में अगर कोई चीज़ होती है तो वो है मेहनत। मेहनत टीम इंडिया ने पूरी करी। इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम ने इस तरीके की मेहनत नहीं करी जैसी टीम इंडिया ने करी। अपने होम ग्राउंड्स पर टीम इंडिया खेली है, लगातार 10 मैच जीती है। ऐसा पहली बार हुआ है ओडीआई क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए कि लगातार 10 मैच जीते, लेकिन उसके बाद एक आखिरी मैच, एक आखिरी इम्तिहान, उसमें फेल हो जाना। उस फेलियर को लेकर आज बहुत लोग जहां टीम इंडिया को कोस रहे हैं, उनकी गलतियां खामियां निकाल रहे हैं, वहीं बहुत लोग टीम इंडिया से प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत लोग टीम इंडिया की उस कोशिश की सराहना कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां सब कुछ टीम इंडिया के लिए सही नजर आ रहा था। करीबन 1 लाख की जनता नीले समंदर में रंगी हुई थी। 1 लाख की जनता टीम इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। पीला समंदर नहीं, नीला समंदर नजर आ रहा था। सबको लग रहा था कि यार हमारी बैटिंग अच्छी है, हमारी बॉलिंग अच्छी है, हमारी फील्डिंग अच्छी है, हमारा हर डिपार्टमेंट अच्छा है, तो हम लोग ये मुकाबला जीत रहे हैं और लगभग 10 साल का सूखा वर्ल्ड कप में खत्म होने वाला है। अब MS धोनी, कपिल देव के बाद कोई ऐसा कप्तान आएगा जो भारत को विश्व कप विजेता बनाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया को 6वीं बार जीतने नहीं देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे ज़्यादा बुरा लगा कप्तान रोहित शर्मा के लिए, जो रोते हुए उन्होंने आखिरी वॉक अपना डगआउट की ओर जाते हुए ली, वो सबसे ज़्यादा इमोशनल थी। रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे, फूट फूट कर वो रो रहे थे, और रोए भी क्यों ना, क्योंकि रोहित शर्मा ने इस मैच में 47 रन की पारी खेली। उसके बाद ट्रेविस हेड के हाथों वो कैच आउट हो गए, वो आउट हो गए, और वहीं से टीम इंडिया की उम्मीदें टूट गई थी। वो टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मतलब अगर कोई सेल्फलेस खेलना किसी को बोलते हैं तो वो रोहित शर्मा ने खेल के दिखाया। कभी 48 पर आउट हो रहे, कभी 47 पर, कभी 84 पर। अपने माइलस्टोन के लिए नहीं खेले, अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेले। कभी भी बना सकते थे, कभी भी शतक बना सकते थे, अर्धशतक बना सकते थे, 3-4 रन से ही पीछे रह जाते थे, लेकिन उनको पता था कि अगर मैं शुरुआत अच्छी दूंगा तो नीचे के जो बल्लेबाज हैं उन पर प्रेशर कम आएगा, उन पर रिलीज प्रेशर हो जाएगा। इसी वजह से तेज खेलते थे, और कप्तानी के सारी चीज़ें, सारे गुण उन्होंने इस वर्ल्ड कप में झोंक दिए। उसके बाद रोहित शर्मा को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। रोहित शर्मा को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बल्कि रोहित शर्मा की हर कोई तारीफ कर रहा है। इरफान पठान ने भी रोहित को कहा कि भाई ट्वीट करके कि यू आर अ ट्रू चैंपियन, यानी आप हर नज़र से आप लोग चैंपियन हैं। ये मत सोचिए आप हार गए, ये सोचिए आपने कोशिश पूरी करी, ये सोचिए आपने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता है। ट्रॉफी नहीं, लेकिन आपने दिल जीता है। यहाँ तक भी आना, फाइनल्स तक भी आना बहुत बड़ी बात है। साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी रोहित शर्मा के लिए बहुत अच्छी लाइन्स लिखी है। उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, कोई बात, कोशिशों के पूरे पॉइंट्स हैं, हारे जीते अलग बात है, आपकी कोशिशों के हमारे तरफ से पूरे पॉइंट्स हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों ने रोहित शर्मा की सोशल मीडिया पे जमकर तारीफ करी। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि आप भी रोहित को ब्लेम करेंगे इस हार के पीछे, या फिर रोहित की सेल्फलेस पारियों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे।